गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जीरो के लेसन एनवायरनमेंट नेचर एंड ह्यूमन के बारे में डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, प्रकृति और मानव, इनके बारे में डिस्कस करें। पर्यावरण, प्रकृति और मानव, पर्यावरण की डेफिनेशन पहले आई है। पर्यावरण का वर्ड है वो फ्रांस भाषा के वर्ड एनवायरनर या एनवायरनियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग फ्रेंच भाषा के वर्ड सराउंडिंग एनवायरनियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग। अब इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे तो इससे पता चलता है, ऑल नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस कैन बी फ्रॉम एन एनवायरनमेंट। जो भी प्राकृतिक या मैन मेड थिंग्स है हमारे चारों ओर दिखाई देती है, प्रेजेंट है, जैसे कि फैन वगैरह जो मैन मेड थिंग्स है। प्राकृतिक चीजें देखे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये प्राकृतिक चीजें है, तो ये सभी हमें ये जो माचाल पर जो भी चीजें है वो प्राकृतिक चीजें है। इसमें मेन मेड भी आते हैं, ह्यूमन खुद एक प्राकृतिक की वस्तु है और लिविंग नेचुरल थिंग्स में जो है बायोस्फीयर, जो पूरा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, वाटर, लैंड, एयर और लिविंग थिंग्स जो भी है वो नेचुरल थिंग्स में आते हैं। ह्यूमन मेड में ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट, पार्क, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, ये सभी ह्यूमन मेड में आते हैं। और ह्यूमन में फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन, इंडिविजुअल, ये सभी मतलब ह्यूमन में आते हैं। तो ये सभी मतलब एक पर्यावरण का हमारे चारों तरफ से जो आवरण घिरा हुआ है वायुमंडल कहलाता है। वो वायुमंडल खुद जमीन, प्राकृतिक चीजें जो प्रकृति से हमें मिलती है वो सभी एनवायरनमेंट में आती है। अब हम डिस्कस करें जो प्लांट्स, बिल्डिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये जो सभी है ये एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ऑल लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट कहलाता है। ये हमें पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है तो श्वास वायु प्रदान करते हैं और पानी पीने के लिए, भोजन खाने के लिए और जमीन रहने के लिए उपलब्ध कराती है। जो पर्यावरणीय है हमें वो पानी पीने के लिए, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए जमीन और श्वास के लिए वायु उपलब्ध कराती है, प्राण वायु। अब हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रकृति के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं उनमें पहला है नेचुरल कंपोनेंट्स, जिसमें लैंड, वाटर, प्लांट, ये सब आते हैं, एयर भी आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लैंड, वाटर, प्लांट, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी नेचुरल कंपोनेंट है, ये सभी नेचुरल कंपोनेंट है। मैन-मेड कंपोनेंट में जो मनुष्य द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है वो मेन मेन कंपोनेंट में आती है, जैसे बिल्डिंग, पार्क, बीच,
ये सभी और क्या एक जैसे रॉड्स है, रॉड कंडक्टर मेंस है जो भी हम देखते हैं, और जो भी चीजें होती है वो जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, कुछ मेरे एग्जाम्पल्स है तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं। ये सभी जो मैनमेड कंपोनेंट है वो कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन, इसमें ह्यूमन भी शामिल होता है, ह्यूमन और इसके साथ फैमिली, फैमिली यानी परिवार, ह्यूमन से मिलकर परिवार बनता है, कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी समुदाय, रिलीजन, लोगों का ही धर्म होता है। तो ये सभी ह्यूमन कंपोनेंट में आता है। एजुकेशन किसको मिलती है, ह्यूमन नहीं हुआ तो ह्यूमन कंपोनेंट। अब एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें होती है, बायोटिक भी होती है और एबायोटिक भी होती है। अभी तक हमने एनवायरनमेंट मीनिंग और कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट है ह्यूमन, मैन मेड और नेचुरल, इन कंपोनेंट यानी तत्वों के बारे में बात की। अब हम डिस्कस करेंगे बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप। सबसे पहले बायोटिक और ए बायो, बायोटिक या बायोलॉजिकल, इसमें प्लांट, एनिमल और ह्यूमन, जिसमें मेन टू कंपोनेंट होते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसमें जो सजीव चीजें होती है वही होती है, प्लांट, ह्यूमन भी, एनिमल, ये सभी होते हैं बायोटिक में। और एबायोटिक में जो होते हैं फिजिकल, जैसे लैंड, वाटर, ये सभी एबायोटिक में। एबायोटिक में जो लिविंग चीजें है वो होती है और बायोटिक में जो सजीव चीजें है वो होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में अगर डिस्कस करें हम, प्राकृतिक परिवेश, इसके बारे में अगर डिस्कस करें नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल जो है एनवायरनमेंट वो बनती है थिंग से जो मेड बाय मैन यानी मनुष्य द्वारा बनाई हुई होती है, ना कि प्रकृति द्वारा। क्रिएटेड बाय नेचर और इट कंप्रेस बोथ बायोटिक और एबायोटिक, इनमें सभी चीजें होती है, बायोटिक भी होती है, एबायोटिक भी होती है। नेचुरल और ह्यूमन द्वारा बनाई हुई जो भी चीजें होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में शामिल होती है, जैसे सन, माउंटेन, प्लेटू, प्लांट्स, वैली, फॉरेस्ट, लैंड, एयर, रिवर, ओशन, वाटर, ये सभी चीजें मिलके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग मिलके नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाती है। अब ये सभी चीजें को कैटेगरी वाइज बांटे, तो कैटेगरी वाइज बांटने पर हमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर और बायोस्फीयर, ये चार पार्ट बन जाते हैं जो डोमिनियंस ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस की उसमें जो मुख्य चीजें पड़ी हमने एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट क्या होती है, जो भी हमारे चारों ओर का परिवेश होता है उसमें जो भी वस्तु प्राप्त होती है चाहे ह्यूमन उसमें इंक्लूड है, वो सभी वस्तुएं या ह्यूमन बींग या
एनिमल या प्लांट वो सभी चीजें हमारे एनवायरमेंट में शामिल होती है, इंक्लूड होती है। फिर हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, तो नेचुरल कंपोनेंट, मैन मेड कंपोनेंट और ह्यूमन कंपोनेंट, इसके बारे में डिस्कस करें तो लैंड वाटर प्लांट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये नेचुरल कंपोनेंट है, और मेन मेड कंपोनेंट के बिल्डिंग पार्क ब्रिज रोड फैन जो भी है, जो निर्जीव वस्तु है, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तु है, वो मेन मेड कंपोनेंट में आती है। और ह्यूमन कंपोनेंट में फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सभी वस्तुएं ह्यूमन में आती है। अब ह्यूमन से रिलेटेड जो भी है, जैसे कम्युनिटी है, समाज, सोसाइटी भी कह सकते हैं, धर्म, एजुकेशन, ये सभी चीजें जो मनुष्य से जुड़ी हुई है, जिसमें मनुष्य का सेंट्रल कार्य करता है, वो सभी ह्यूमन एनवायरमेंट में आती है। बायोटिक और एबायोटिक के बारे में डिस्कस करें तो प्लांट और ह्यूमन और एनिमल, ये सभी जो सजीव चीजें होती है वो बायोटिक में आती है, और फिजिकल या एबायोटिक में लैंड वाटर और जो निर्जीव चीजें है वो आती है। तो ये सभी नेचुरल एनवायरमेंट का हिस्सा है। मनुष्य कोई वस्तु बनाता है तो वो प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके बनाता है, तो ये सभी प्रकृति के हिस्से हैं, और इससे ज्यादा सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में इनकी रेट कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिसकी भविष्य में कमी हो सकती है। अब मेन डोमिनियंस ऑफ द अर्थ में हम सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। लिथोस्फीयर क्या होता है और लिथोस्फीयर के कौन कौन से हिस्से होते हैं, किस तरीके से हम लिथोस्फीयर को समझ सकते हैं। लिथोस्फीयर या लैंड भी कह सकते हैं इसको, फोर कंपोनेंट, फोर डोमिनेंस है।
इरेगुलर सरफेस होती है, माउंटेन प्लेट्यू डैम वैली ये सब चीजें प्रॉब्लम करती है, मतलब कई पठार है, कई पहाड़ है, कई नदियां बहती है, ये सभी चीजें वस्तुएं जो है वो लिथोस्फीयर का ही हिस्सा है। माउंटेन्स हो चाहे प्लेट्यू हो चाहे समुंदर ही क्यों ना, समुंदर जो जमीन पर रहता है जमीन का हिस्सा वैसे तो हाइड्रोस्फीयर में आता है पर जमीन पर ही उपलब्ध रहता है, जमीन ही उसको इंटेक्ट करती है। ये हमें जंगल ग्रासलैंड और ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट और मिनरल इंडस्ट्री इन सभी चीजों में सहायक होता है। सभी चीजें जैसे जिसमें जंगल है, जंगल से हमें कई और जीव पौधे प्राप्त होते हैं, कई खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, तो यह मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रासलैंड चरागाह होते पशुओं के चराने के लिए काम आते हैं, तो ऐसे पशुओं के लिए हानि जो फायदेमंद है होता है। और ये हिस्से प्रकृति में ही शामिल है। एग्रीकल्चर के लिए जमीन उपलब्ध हो और ह्यूमन सेटलमेंट मतलब मनुष्य के रहने के लिए जो भी जमीन उपलब्ध होती है वो हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर का हिस्सा है। मिनरल इंडस्ट्री में मिनरल जो है वो अपने लैंड से प्राप्त होती है, जमीन से खुदाई में प्राप्त होती है, तो वो भी लिथोस्फीयर का हिस्सा है। अब इसके एडवांटेज हम देखते हैं। एडवांटेज में पहला जो तीन एडवांटेज है इसके ग्रोथ ऑफ द प्लेन, प्लांट के ग्रोथ के लिए। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेस प्राप्त करने के लिए। प्लांट के ग्रोथ के लिए एनिमल और एनिमल पूरी तरीके से जो शाकाहारी जानवर जो एनिमल होते हैं वो पूरी तरीके से प्लांट पर निर्भर होते हैं, और प्लांट अपने को इंटेक्ट रखने के लिए उसको जमीन की आवश्यकता होती है, तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल ऑयल और कोल ये लिथोस्फीयर में पाया जाता है, और फॉरेस्ट और अदर लैंडफॉर्म जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है वो भी लिथोस्फीयर का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से लिथोस्फीयर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डोमिनेंस है जो हमारे एनवायरनमेंट का। अब हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर और इकोसिस्टम इसके बारे में डिस्कस हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के जो नोट्स है वो मैं आपको भी इंक्लूड करा दूँगा। Thank you.